आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय गणित पाठ 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा के बारे में जानकारी दूंगी। बच्चों आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। देखिए चूहा और बिल्ली। देखिए चूहा और बिल्ली। भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है तो चूहा कहाँ है बच्चों? 14 नंबर पर है। और एक बार में 2 खाने कूद सकता है तो बिल्ली 3 पर है, वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच जाएगा। तो बच्चों अगर इस तरह वह 2 खाने कूद सकता है चूहा तो वह बिल्ली से बच जाएगा। वे खाने जिन पर चूहा कूदा, तो बच्चों चूहा 16 नंबर के खाने पे, 18 नंबर के खाने पे, 20 नंबर के खाने पे, 22 नंबर के खाने पे तथा 24, फिर 26, फिर 28 नंबर के खाने पर कूदा। अब देखिए वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी, तो बच्चों बिल्ली जिन खानों पे कूदी वो थे 6 नंबर का खाना, 8 नंबर का खाना, 11 नंबर का खाना, 14 नंबर का, 17 नंबर का तथा 20 नंबर का, 23 नंबर का, फिर 26 नंबर का, फिर 29 नंबर का। अब देखिए बच्चों म्याऊ खेल। इस खेल को खेलने के लिए जब लोग एक गोले में खड़े होते हैं, एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है दो, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाए वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बचा खिलाड़ी जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्या को म्याऊ से बदला? तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं हम 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27। अब देखिए हम इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। संख्या 3 को 4 से बदलकर इस खेल को खेलो। अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊ से बदला? ये संख्या 4 के गुणज है। तो बच्चों 4 के गुणज होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ऐसे। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो। तो 5 के कोई भी 10 गुणज होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। यह 5 के गुणज हैं और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब देखिए बच्चों पासे का खेल। 2 पासों को एक साथ फेंको। पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं? इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर ये संख्या गोलों के बाजू में लिखी गई संख्या का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है। जो 10 बार में ज़्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। तो बच्चों एक खेल है जो आपको खेलना है। मेरे पासों में 3 और 2 हैं। अगर मैं 23 बनाता हूँ तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है, इसीलिए मैं 3 और 2 बनाऊँगा जो कि 4 का गुणज है, और उसे लाल गोले में लिख दूँगा। तो बच्चों 4 का गुणज है 32, जो लाल गोले में लिखा जाएगा। तो इसी प्रकार आपको 6 का गुणज,
पाँच का तथा सात का गुणज लिखना है अपनी नोटबुक में। अब देखिए बच्चों, साझा गुणज। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह तीन का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, अगर वह पाँच का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। तो तीन का गुणज है नौ और पाँच का गुणज है दस। मैं पंद्रह को कहाँ लिखूँ, वह तीन और पाँच दोनों का गुणज है। तो देखिए बच्चों, कुछ संख्या तीन और पाँच दोनों के गुणज हैं, इसलिए हम उन्हें तीन और पाँच दोनों के साझा गुणज कह सकते हैं। तो साझा गुणज उन्हें कहा जाता है बच्चों, जो दो संख्याओं के एक ही गुणज हो। सोचो अगर तुम तीन और पाँच के साझा गुणज बैंगनी हिस्से में लिखते हो तो क्या वे लाल और नीले दोनों गोलों में भी है? तो आंसर आएगा हाँ। इन साझा गुणज में से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है तीन। खेल को दो और सात संख्याओं के साथ दोहराओ, दो और सात के साझा गुणज लिखो। तो बच्चों आपको अपनी नोटबुक में दो और सात के साझा गुणज लिखने हैं। चूड़ियाँ। एक सलाख पर 18 चूड़ियाँ हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2, 3, 6, 9 और 18 के समूह में रख सकती है, किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना। अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास कुल कितने समूह होंगे? तो बच्चों उसके पास कुल 18 समूह होंगे। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो। हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें चूड़ियों की संख्या अलग अलग समूह जो हम बना सकते हैं। तो पहला हमें संख्या दी 18, जो समूह है 1, 2, 3, 6, 9 और 18, और इस तरह हमें दी गई है फिर 24, तो उसका भी 1, 2, 3, 24 ऐसे समूह बनाएंगे। तो आपको बच्चों इसी प्रकार ये सभी तालिका पूर्ण करनी है अपनी नोटबुक में। यही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आपको जो तालिका दी गई है तथा सभी संख्याओं के गुणज लिखने हैं, यह आपका होमवर्क है।